गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और देख रहे होंगे आप मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ, और बहुत रिस्क लेके चढ़ी हूँ, क्योंकि ये एक चद्दर है, और अगर गिर गया यहाँ से पैर, अगर फिर पैर किसी तरह पीछे हो गया तो सीधा मैं नीचे चली जाऊँगी और पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल किनारे के साइड पर मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि पतली सी चद्दर है, नीचे टूट भी सकती है। तो बहुत आज ये जो काम मैं करने जा रही हूँ, ना चाहते हुए मुझे करना पड़ रहा है, बहुत भारी मन से। एक्चुअली जो ये नीम का पेड़ है ना, इसकी जो कुछ टहनियाँ हैं, तो जब अभी आप पता ही आपको इधर कितनी आंधी आ रही है, तो बहुत दिन से, काफ़ी टाइम से जब आंधी आती थी तो ना इसके ये पेड़ की टहनियों से टकरा, देखिए कितनी तेज़ आंधी आ रही है। तो मुझे डर लग रहा है मैं कहीं टहनी पकड़ के नीचे ना पहुँच जाऊँ हवा के साथ। तो मैं इसी टहनी को मैं काट रही हूँ आज, और क्योंकि इसे टकरा टकरा कर काफ़ी ईंटें नीचे गिर चुकी हैं, और रोड पे आते जाते लोगों को लग भी सकती है। लगी तो नहीं अभी, लेकिन बाय चांस कभी लग भी जाए तो क्या होगा। इससे अच्छा है कि उसको पहले ही काट कर हटा दो। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं काटना, मुझे पेड़ काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल मैं आधे मन से काट रही हूँ। बहुत दिन तक तो मैंने टाला, मैंने सोचा चलो सही हो जाएगा, नहीं गिरेगा, लेकिन जब कंटिन्यू ईंटें गिरती रही तो फिर मुझे काटना पड़ा। और इधर देखिए बाबू बहुत मस्ती कर रहा। तो कहते हैं ना, कभी कभी कोई चीज़ ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ जाती है, बाबू भारी मन से। तो वही मैंने दो टहनियाँ अभी काट कर छत पे रख दी है, और तीसरी टहनी मैं काट रही हूँ। तो बहुत दुख हो रहा था मुझे काटने में, बट क्या करें। और इधर ये देखिए अमरूद का पेड़, अमरूद में अमरूद आ चुके हैं, और अमरूद इतने अमरूद इस बार आए थे मैं उसको बता नहीं सकती आपको। मैंने किसी वीडियो में दिखाई बगोस्टम पे फूल की कलियां आई हुई थी, बहुत ज़्यादा इतने अमरूद थे ना, मैं सच बता रही हूँ। और उसके बाद देखिए जो सारे अमरूद जो है ना, देख रहे हैं आप, सारे झड़ रहे हैं, मतलब आधे से अब आधे भी नहीं रहे पेड़ में, आधे से ज़्यादा झड़ गए। मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ और इतने मतलब भर भर के फेंकती हूँ। एक्चुअली ये होता है ना कि गर्मी की वजह से छत गर्म हो जाती है, क्योंकि ये पेड़ छत पे है तो छत गर्म हो जाती है, तो नीचे से धोंक मारता है तो वो सारी उसका फल वो चू जाता है, गिर जाता है गर्मी से, इसी वजह से। और इधर हो रही है बेटी की मस्ती, इसने लूडो बनाया है कॉपी पे, और गोटियाँ भी इसने पता नहीं गोटियाँ इसने पैसों की बना रखी है, बस दिन भर इसकी यही मस्ती चलती रहती है, उटपटांग। और मैं भी इंगेज कर देती हूँ, किसी चीज़ में इंगेज रहेगा ये, तो इधर उधर शैतानी नहीं करेगा, बट इसकी शैतानियाँ तो बढ़ती जाती है दिन पे दिन, जितना बड़ा हो रहा उतनी शैतानियाँ करता रहता है ये। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ अब बनाने के लिए यहाँ पर लंच। तो आज मैं आपके साथ लंच में सब्ज़ी बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ मसाला पोटैटो करी। तो अगर आप ये मसाला पोटैटो करी खाएंगे ना, तो एग करी खाना भूल जाएंगे, बिल्कुल उसी मेथड से बनेगी ये सब्ज़ी। तो जो एग खाते हैं वो तो खैर नहीं भूलेंगे, जो एग नहीं खाते उनके लिए है ये। तो मेरे घर में पता ही आपको नॉन वेजिटेरियन कम है, वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से मैं यही सब चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट ला देती हूँ उसमें नॉनवेज वाले। तो मैं ये मसाला पीस रही हूँ सिलबट्टे पर, और मसाले में मैंने पीसा था जीरा काली मिर्च, अदरक, लहसुन, और बाकी धनिया पाउडर वगैरह तो मेरा ऑलरेडी पिसा हुआ है, लाल मिर्च पाउडर भी। तो इसमें दो हरी मिर्च मैंने पीस ली है जो लाल हो चुकी थी।
तो उसका अलग टेस्ट आता है, लाल मिर्च का अलग टेस्ट आता है। अब उसके बाद मैं इधर काटने के लिए आ गई हूँ प्याज और टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं और 3 ही टमाटर ली हूँ मैं। तो अब मैं इसको बारीक बारीक प्याज को काटूँगी छील कर। इस टाइम तो प्याज बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्याज आ रहे हैं, बड़े बड़े साइज़ के, और रेट भी मतलब कम है इस टाइम पे। तो नहीं तो ये प्याज 30-40 रुपये हमेशा मिलता था, बट अभी अच्छे रेट में मिल जा रहा है प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिए हैं सारे। अब टमाटर मैं काटूँगी चाकू से, क्योंकि टमाटर ना इसी काटने से ना उसका सारा रस वो नीचे गिर जाता है। तो टमाटर को मैं चाकू से ही काटती हूँ, बस प्याज को इस दराँती से काटूँगी और फिर यहाँ पर छिलके उलके साफ़ करके फिर चलते हैं किचन में बनाने के लिए आलू एग, क्या बोलेंगे, आलू आलू एग। तो यहाँ पर आलू उबल गया है मेरा, आलू उबाल के मैंने ठंडा कर लिया था उसको। ठंडा करने से होता है थोड़ा आलू कड़ा कड़ा सा रहता है, तो फिर इसको ना फ्राई करने में ठीक रहता है, नहीं तो टूट जाते हैं ऐसे आलू। तो फ्राई ठंडा करने से थोड़ा सा टाइट हो जाता है। वैसे ये आलू मेरा थोड़ा ज़्यादा उबल गया था, और ये आलू इस बार ठीक भी नहीं था, क्योंकि मीडियम साइज़ के आलू ठीक होते हैं, जो ज़्यादा ही बड़े साइज़ के होते हैं ना वो बेकार होता है, आलू बहुत जल्दी घुल जाता है और घुलने वाले आलू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और मिर्च पाउडर की कोटिंग कर दी है आलू में, और रख दूँगी 5 मिनट के लिए, जब तक 5 मिनट इसे छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं इधर टमाटर वगैरह काटने के बाद आलू को मैं कर रही हूँ फ्राई। तो थोड़ा थोड़ा आलू को डालकर ही फ्राई करूँगी, नहीं तो सारे डालूँगी तो आलू सारे चूर हो जाएंगे और मिक्स हो जाएगा, अच्छे से फ्राई नहीं होगा। देखिए 3 बार करके मैं फ्राई करूँगी, और वो लोहे की कढ़ाई थी, लोहे की कढ़ाई में ना अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो मैं लोहे की कढ़ाई में फ्राई करके हटा ली उस कढ़ाई को, और अब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, और तेल में मैंने डाला है 1 तेज़पत्ता, और जब तेज़पत्ता लाल हो जाएगा तब मैं डालूँगी इसमें जीरा और लाल मिर्च। और जब जीरा लाल मिर्च अच्छे से चटक गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, बिल्कुल भूनना कि इसको गलाना है। तो इसलिए मैं इसमें पहले नमक डालूँगी, नमक डालने से ये प्याज होता है वो सॉफ़्ट हो जाता है और जल्दी गल जाता है। अगर अभी हल्दी डाल दूँगी तो ये गोल्डन हो जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा, बस प्याज वैसे ही खड़ा खड़ा सा दिखेगा। तो अब हमें ग्रेवी के लिए प्याज हमेशा गलाना होता है। तो जब मेरा प्याज बिल्कुल अच्छे से गल गया था तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, और मैं शॉर्टकट में ही दिखा रही हूँ आपको, बट बताऊँगी पूरी रेसिपी। जब प्याज वो गल गया मेरा टमाटर और प्याज अच्छे से, तो मैं इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है, और ये नए तरीके की सब्ज़ी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बननी थी मेरी सब्ज़ी। तो बेसन जब अच्छे से भूनना है बेसन को, और जब बेसन मेरा अच्छे से भून गया है, इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने जो पिसा हुआ मसाला था उसको भूना, क्योंकि पिसे हुए मसाले को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है और सूखे मसाले को भूनने में पाउडर वाले को कम टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले पिसा हुआ मसाला अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने सूखा मसाला डाला है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इसको भी मैं थोड़े टाइम तक भूनूंगी, क्योंकि मसाले को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा और उतनी अच्छी खुशबू आएगी। तो देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, तेल भी छोड़ रहा है ये। तो अब इसमें हमें करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें बिल्कुल हल्का हल्का करके पानी डालना है, और बिल्कुल अभी थोड़ा ही पानी डालना है, और अच्छे से मसाले को मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाल रखा है, अगर एकाएक पानी डाल देंगे तो इसकी गुलढ़ियाँ बन जाएगी। तो देखिए अब इस मसाले को भी 2 या 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे पानी डालने के बाद, तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनकर आएगी, और इस बिल्कुल स्मूदी बनेगी इसकी ग्रेवी। तो देखिए बिल्कुल मसाला अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है, और मसाला भी अच्छे से पक चुका था पानी डालने के बाद। तो फिर अब मैंने ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड कर दिया है, जितनी पतली ग्रेवी आपको चाहिए, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है तो हमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालना होगा, क्योंकि बेसन फूलता तो उससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने नमक डालकर इसको एक बॉयल आने तक छोड़ दिया मैंने, ये एक बार एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो देखिए आलू जो मैंने फ्राई कर रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है इसमें, क्योंकि अच्छे से उबाल आ गया था। अब इसको हमें थोड़ी देर पकाना है, थोड़ी देर क्या इसको, क्योंकि बेसन भी थोड़ा पकेगा, भून चुका है बेसन, पर उसे पकना भी ज़रूरी है। तो मैं 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल कम आँच में पकाऊंगी। तो देखिए अच्छे से उबाल आ गई और मेरी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग भी टेस्ट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसी बनी सब्ज़ी। तो इधर देख लीजिए बाबू की मस्ती और उसके पापा की मस्ती हो रही है। बाबू बहुत चीटिंग करता है, बहुत ज़्यादा चीटिंग करता है, और उसके मन के हिसाब से ना खेलो तो फिर वो रोने लग जाते हैं।
तो यही होता है बच्चों के साथ, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, तो आप लोग इन्जॉय करें और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के घर में बच्चे ऐसे करते हैं, आप अपनी मनमानी करते हैं खेलते टाइम, तो हार भी जाएगा तो कहेगा नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, उसका छः नहीं आएगा, जितनी बार मैं वो गोट छक्का चलता रहेगा चलता रहेगा, जब छः आ जाएगा तब जाकर छोड़ेगा, ऐसे करते हैं बच्चे। मैसेज चीटिंग के साथ फ्रेंड, ये मैंने भी बाबू का हेयर कट किया था सुबह, बाबू नहा लिया था एक बार, मैंने बोला था नहा लो क्योंकि वो उसकी आदत हो गई है नहा, मतलब दोपहर में लंच कर नहा कर लंच करने की, तो उसने नहा लिया, वो खुद नहा लिया था, फिर मैं इस अभी मैं नहला कर आई हूँ, इसका हेयर कट किया था मैंने, हेयर कट करने के बाद मैंने इसको नहला दिया है, अब जैसा मेरे को आता है मैं क्या करूँ, अभी लॉकडाउन के चक्कर में ऐसे ही करना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है हेयर कट, तो मैंने बाबू का हेयर कट कर दिया, मैं इधर लगा रही हूँ पाउडर क्योंकि उसकी घमौरियाँ हो चुकी है उसके।